हेलो फ्रेंड्स, साधना जोमन्स रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पनीर की तो कई सारी रेसिपीज़ है। होटल, रेस्टोरेंट या घर में आपने पनीर की कई सारी रेसिपीज़ ट्राई की होगी, लेकिन मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पनीर की, वो बहुत ही यूनिक है और अलग है। 2 रोटी की जगह आप 4 रोटियाँ खाएंगे और इस रेसिपी को आप बार बार बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी पनीर की रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। 200 ग्राम पनीर लिया है, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। दही ऐड करेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। सभी को मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से फेंट लेते हैं। दही और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, फेंट लिया है। अब उसमें पनीर ऐड करेंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पनीर को मसालों से अच्छे से कोट कर लेते हैं। पनीर को मसालों में अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बेबी कॉर्न को कट कर लेंगे। इस रेसिपी में बेबी कॉर्न जरूरी है। इस तरह से कट करेंगे। घर में मेहमान आए तो इस रेसिपी जरूर बनाइए, उनको बहुत पसंद आएगी। बेबी कॉर्न को तो कट कर लिया है। पैन में तेल ऐड करेंगे। तेल की जगह आप बटर या घी भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे बेबी कॉर्न और मशरूम। मशरूम का इस तरह कट कर लिया है। दोनों को शालो फ्राई करेंगे। मशरूम और बेबी कॉर्न को 2 से 3 मिनट तक शालो फ्राई कर लेना है। मशरूम बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए निकाल लेते हैं। बेबी कॉर्न को और थोड़ा शालो फ्राई करेंगे। बेबी कॉर्न को 4 से 5 मिनट तक शालो फ्राई कर लिया है। अब निकाल लेते हैं। सेम पैन यूज करेंगे, फिर से थोड़ा तेल ऐड करेंगे। एक प्याज लिया है, उसे इस तरह से कट कर लिया है और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, उसे भी बड़ी साइज में कट कर लिया है। दोनों को शालो फ्राई करेंगे। एक से 2 मिनट तक शालो फ्राई कर लेना है, हल्का क्रंच आने तक। दोनों को निकाल लेते हैं। पनीर को शालो फ्राई करेंगे। को अच्छे से शालो फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया कोटिंग दिख रहा है। निकाल लेते हैं। सेम पैन यूज करेंगे, थोड़ा तेल ऐड करेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे 5 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, 2 छोटी साबुत लाल मिर्च। साथ में डालेंगे 2 स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज को हल्का कलर चेंज होने तक उसे भून लिया। अब उसमें ऐड करेंगे 2 रफली चॉप टोमेटो। साथ में ऐड करेंगे काजू, 20 काजू, और थोड़ा नमक ऐड करेंगे टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए। मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्लेट पे निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी, स्मूथ कंसिस्टेंसी है। पनीर की यूनिक सब्जी बनाने के लिए पैन में तेल ऐड करेंगे। तेल आप अपने आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। उसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, 1 तेजपत्ता उसे तोड़ के लिया है, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, दालचीनी और 4 काली मिर्च। बाकी के मसाले हम लो फ्लेम पे ही ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धने पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब डालेंगे ग्राइंड की हुई पेस्ट। मिक्स कर लेते हैं। सभी मसालों को तेल छूटने तक भून लेंगे। चलाते हुए लो फ्लेम पे पेशेंस के साथ सभी मसालों को तेल छूटने तक भून लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, कलर। अब उसमें ऐड करेंगे दही, 1 चम्मच दही लिया है, उसे अच्छे से फेंट के लिया है। इससे हमारी सब्जी की, पनीर की टेस्ट बहुत बढ़िया आएगी। तो स्किप मत कीजिएगा। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वाह, बहुत ही बढ़िया। दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न को पकने में वक्त लगता है, इसीलिए सबसे पहले बेबी कॉर्न को डाला है। थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना। चार से 5 मिनट तक कवर कर देंगे, पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। ये देखिए, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है। अब उसमें ऐड करेंगे पनीर। मशरूम भी जल्दी पक गए हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों में अच्छे से कोट करेंगे। गरम पानी ऐड करेंगे। पानी हम कंसिस्टेंसी देख के डालेंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे। ग्रेवी को उबाल आने लगा है। अब उसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रहे, हमने टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए भी नमक डाला था। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वाओ, अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढक देते हैं। तो फ्रेंड, हमारे गर्मा गर्म पनीर की यूनिक रेसिपी तो तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। अब ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले से क्रश करके लिया है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगी। अब इस सब्जी को बिना ढके 2 मिनट तक पकने देते हैं। वाओ, हमारी गर्मा गर्म पनीर की यूनिक रेसिपी तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है, सबको पसंद आएगी। गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से। गैस की फ्लेम कर देते हैं ऑफ। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी गर्मा गर्म पनीर की यूनिक रेसिपी तो तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।